आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला और जिला मुख्यालय सिवनी, आवारा मवेशियों का पूरी तरह यहाँ राज दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, आवारा मवेशी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार 30 जुलाई 2024 का नगर पालिका परिषद हो सकता है ये दावा करे कि नगर पालिका परिषद के द्वारा आवारा मवेशी पकड़े जा रहे हैं, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, इनका कार्यालय यहाँ से महज 400 या 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवास भी लगभग उतनी ही दूरी पर स्थित है। अगर भी चाहें एक बार निकल कर देखें, अनुभागीय अधिकारी राजस्व इस मार्ग से रोजाना गुजरती हैं। विधायक सांसद, जब तक सांसद सिवनी स्थानीय सांसद रहे तब तक वे इस रोज सड़क से गुजरा करते थे, और विधायक दिनेश राय भी इस सड़क से होकर गुजरते हैं, और सामने उनका वाहन भी आपको खड़ा दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नागपुर नाका हो, छिंदवाड़ा चौक हो, छिंदवाड़ा नाका हो, बरघाट नाका हो, कटंगी नाका हो, चाहे आप भैरवगंज चले जाएं, प्रतापपुर रोड चले जाएं, जारत नाका चले जाएं, या किसी भी मार्ग पर चले जाएं, बबरिया रोड पर चले जाएं, हर जगह आपको ये आवारा मवेशी सड़कों पर यातायात बाधित करते हुए दिखाई दे जाएंगे। पता नहीं आवारा मवेशियों को पकड़ने की दिशा में नगरपालिका परिषद क्यों कदम नहीं उठाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में ये देखिए आपको यहाँ पर आवारा मवेशी, और बाजू में सिवनी विधायक दिनेश राय का वाहन सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। आवारा मवेशी देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर यातायात बाधित करते हुए दिखाई देते हैं। बार बार लोगों के द्वारा जिलाधिकारी को सूचना दिए जाने के बाद, शिकायत करने के बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी को चाहिए कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये देखिए आवारा श्वानों का यहाँ पर आतंक, देखिए एसपी बंगले की बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही होगी, एसपी बंगले के ठीक पीछे का ये नज़ारा, और कितने सारे श्वान यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। वैसे भी ये प्रजनन काल होता है, बारिश का समय इनका मैटिंग सीजन कहलाता है, और ये बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। एक महिला के पीछे किस कदर यहाँ पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। पता नहीं जिलाधिकारी संस्कृति जैन के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मशकें क्यों नहीं कसी जा रही हैं। उनकी वेतन वृद्धियाँ रोकनी चाहिए। नागरिकों को जिस तरीके की असुविधाएं हो रही है, नगर पालिका परिषद के कार्यालय के ठीक सामने देखिए, यहाँ धरना देकर बैठे हुए लग रहे हैं ये आवारा मवेशी। देखा जाए तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की वेतन वृद्धियाँ अगर रोक दी जाएँ तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। नगर पालिका के जितने भी पार्षद हैं, यहाँ देखिए ये आपको आवारा मवेशी सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको बता रहे थे कि जितने भी पार्षद हैं वे अभी दलसागर का जो स्ट्रक्चर है वो टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए, इसमें गुत्थम गुत्था नज़र आ रहे हैं, पर किसी को इस बात की परवाह नज़र नहीं आ रही कि नागरिकों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण खरीदी, ये दो चीज़ों पर नगर पालिका परिषद के चुने हुए पार्षद हों या अधिकारी, सबका ध्यान उसी पर केंद्रित नज़र आता है। सांसद विधायक भी इस दिशा में कोई प्रयास करते दिखते नहीं हैं। नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं दिखता है। पूरे शहर को गाजर घास ने घेर रखा है। अधिवक्ता वीरेंद्र सोनकेसरिया ने इस बारे में एक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि कोई भी वार्ड अगर गाजर घास से मुक्त मिलता है तो वे 1,00,000 रुपये का पुरस्कार उसे देने की स्थिति में है। वे 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दे सकते हैं। पर कोई भी, चाहे सत्ताधारी कांग्रेस हो, नगरपालिका में कांग्रेस सत्ता में है, या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, किसी को भी इस बात से सरोकार नहीं नज़र आता है कि शहर में किस तरह का गंदा पानी प्रदाय किया जा रहा है, सड़कों पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं कि आवारा कटकरने कुत्ते श्वान लोगों का जीवन जीना मुहाल किए हुए हैं।
सब के सब ये नागरिकों का ये आरोप है कि सभी लोग, ये देखिए यहाँ पर विधायक दिनेश राय का वाहन भी खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और यहीं से आवारा मवेशी गुजरते हुए दिख रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि पार्षद हो या अधिकारी, नगरपालिका परिषद में को सभी के द्वारा चारागाह बनाकर रख लिया गया है कि कहाँ निर्माण करवाया जाए, कैसा निर्माण कराया जाए, कहाँ खरीद की जाए, कैसी खरीद की जाए। जिलाधिकारी संस्कृति जैन के ध्यान देने की बहुत जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।